कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करे अपने IASPSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं आप लोग मेरे साथ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हम मेंस के क्लासेस जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ ये स्टार्ट किया हमने, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। इसमें लास्ट क्लास में हमने लोकल डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट किया था, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्थानीय राजवंश में कुल लगभग 10 से 11, 12 हम लोगों ने राजवंश को देखा, और कुछ राजवंश ऐसे जिनके बारे में कुछ खास हमको जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलना चाहिए, जिसके बारे में डिटेल में भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंस रखता भी है, जिसकी वजह से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज, पांडु डायनेस्टी ऑफ सिरपुर, ठीक है। सिरपुर के पांडु वंश जो है, जो सोम वंशी शासक थे, यहां पर जब शासन किए अपने आप को वो पांडु डायनेस्टी से, ठीक है, वो डिनोट करने लगे, पांडु वंश कहने लगे, क्योंकि वो अपनी उत्पत्ति कहीं ना कहीं पांडव से मानते थे, ठीक है। तो सोम वंश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये उड़ीसा, मैकाल और आपका कांकेर वाला क्षेत्र, ठीक है, और कोसल के सोम वंश, दक्षिण कोसल के सोम वंश भी कहा जाता है। तो इन सब में एक सोम वंशों की आपको दिखेगा शासन छत्तीसगढ़ में, बहुत सारी जगह है ना, इन सब चीजों को और डिटेल में बात करेंगे। यहां पर जो एक मुख्य शासक, जो शाखा थी आप बोलना चाहिए, ठीक है, शाखा इसलिए क्योंकि है तो ये सोमवंशी ही, ठीक है। लेकिन जब यहां पर हमने देखा कि इसके पहले जो सर्वपुरी शासक हुए, ठीक है, उनमें से जो इंद्रबल थे, उनके सामंत थे सुदेवराज के, उन्होंने क्या किया, प्रवरराज सेकंड की हत्या करके या उनको हरा करके, है ना, वॉट एवर जो भी हो, आप जैसा भी लिख सकते हैं अपने मेंस के आंसर पे, इन्होंने एक नए राजवंश की स्थापना की, किसने, इंद्रबल ने, और इंद्रबल ने उसको नाम दिया पांडु डायनेस्टी, पांडु वंश, ठीक है। और इन्होंने भी अपने जो राजधानी है उसको सिरपुर ही रखा, हालांकि प्रवरराज जो प्रथम आए थे, ये आपके सर्व पुरी डायनेस्टी के जो रूलर थे, उन्होंने सरभपुर से सिरपुर अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी, ठीक है। तो इन्होंने भी सिरपुर को ही अपनी राजधानी बनाया, तो सिरपुर को राजधानी आपका इंद्रबल ने नहीं बनाया, वो पहले से ही बन चुका है, ध्यान दीजिएगा। सरभपुरी शासक को ने उनको बना लिया था, प्रवरराज प्रथम ने अपना राजधानी जो है सिरपुर ट्रांसफर कर लिया। उस समय सिरपुर को श्रीपुर की टाइटल जो है वो दी जाती थी, ठीक है, उसका संज्ञा श्रीपुर, याद रखिए, बाद में ये सिरपुर बना। तो ये आप लोग याद रखिए, पांडु डायनेस्टी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक राजवंश है हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में, और इनकी जो स्थापत्य में योगदान है, ठीक है, जो आर्किटेक्चर में है, ये न सिर्फ आपके छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में भी विख्यात है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपका फेमस है यहाँ का आर्किटेक्चर, बिकॉज क्योंकि ये उस टाइम में, है ना, 7वीं शताब्दी में आपका ईंटों से निर्मित जो लक्ष्मण टेम्पल है, आपको पता ही होगा, इसमें इतनी बढ़िया नक्काशी और ये सारी चीजें की गई हैं, आप देखना, ईंटों से बना हुआ कोई भी मूर्ति अब तक, या सॉरी, आपका मंदिर जो है अब तक सही अवस्था में नहीं है, हालांकि यहां पर भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सही अवस्था में आपका लक्ष्मण टेम्पल जो है वो है, ठीक है, माने अभी भी एस्टेब्लिश है। बाकी जो ईंटों से बने हुए थे वो तो रुइंड हो चुके, खंडहर हो चुके हैं, ठीक है, यहां पर पत्थर वाले ही नहीं मिल पाते हैं, ये तो ईंटों से बना आपका पूरा का पूरा मंदिर आज भी सुरक्षित है, और यह एक केंद्र संरक्षित स्मारक है जिसका, ठीक है, ये आपका केंद्र संरक्षित स्मारक है जिसको हम नेशनल हेरिटेज या सेंट्रल हेरिटेज का आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ASI प्रिजर्व करती है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा जगह है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी पहले ही हो चुका रहता, इसकी तैयारी कुछ ना कुछ अधूरी रही जिसके कारण ये चीजें नहीं हो पाई थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिरपुर के पांडु वंश, ठीक है। सिरपुर के पांडु वंश या सोम वंश के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखिएगा, ये अपने आप को पांडु डायनेस्टी के कहलाने लगे, ठीक है, अपने आप को अलग करने के लिए, ठीक है। इनकी राजधानी थी श्रीपुर, याद रखिएगा, बाद में ये सिरपुर हुआ नाम, उस समय श्रीपुर बोला जाता था। इनकी दो शाखाएं थी, दो ब्रांचेस मिलते हैं, इनकी सोम डायनेस्टी के दो ब्रांचेस मिलती हैं, एक मैकल रेंज में, ठीक है, मैकल के पांडव भी बोले जाते हैं, उनको पांडव कह दिया जाता है, इनको पांडु बोला जाता है, याद रखिएगा, दोनों के वंशज जो है दैट मींस अपने आप को पांडव के ही वंशज मानते थे, इसीलिए, ठीक है, ये राजवंश को पांडु वंश कहा गया, ठीक है, किसको, आपका जो सिरपुर वाले हैं, और यही दक्षिण कोसल साइड है, इस राजवंश को सोम वंश कहा गया,
याद रखिएगा। तो दक्षिण कोसल के सोमवंश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनमें अगर हम बात करें तो दो अलग अलग लिपि इंस्क्रिप्शन जो है वो देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इंस्क्रिप्ट कहने के मतलब ये है, अगर हम बात करें ताम्र पत्रों की, कॉपर इंस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, इसमें पेटिका शीर्ष लिपि जो है वो मिलता है, पेटिका, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि शिला लिखों में किलाक्षर लिपि जो है वो मिलता है, इंस्क्रिप्शन जो है टाइप्स, ये बड़ा इंस्क्रिप्ट है कॉमनली, ठीक है, याद रखिएगा। जो शिला लेख है उसमें शिलाक्षर, माने वो सिर्फ शिला लेखों में ही यूज किए गए हैं इंस्क्रिप्ट, ठीक है, फॉर स्टोन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें मिलेंगे। जबकि ताम्र पत्र में एक अलग आपको इंस्क्रिप्ट देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोला गया, पेटिका शीर्ष लिपि कही जाती है। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च डॉक्यूमेंट से लिए गए डेटाज हैं, सभी के सभी ऑथेंटिक हैं, एग्जाम में आने वाले टाइम में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीजों पे आप अगर वेटेज देंगे, डेफिनेटली दूसरों से बहुत अच्छा मार्क्स आपको गेन होगा। ये सारे डेटास आपको इंग्लिश में भी एज इट इज अवेलेबल हैं, ठीक है। देखिए, शासक विशेष की बात करें या इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें, अगर हम पांडु डायनेस्टी में, ठीक है, तो उनको देखते चलते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो उदयन का नाम सबसे पहले आता है। हालांकि देखो, इसको स्थापित किसने किया, इंद्रबल ने किया, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आदि पुरुष के नाम पर एक व्यक्ति का नाम मिलता है उदयन, जो कि मे भी इनके पिताजी थे, ठीक है, इंद्रबल के, कंफर्म नहीं मिलता है, बट आदि पुरुष के नाम से या फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस डायनेस्टी के नाम से आपको देखने को मिलेगा, कौन, उदयन, याद रखिएगा, ये बार बार पूछा गया है। और कहां से मिलता है, तो कालिंजर जो आपका शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, ये झांसी में है, ठीक है, वहां से आपको ये जानकारी, इनके बारे में जानकारी मिलती है। और फर्स्ट पर्सन के नाम पर उदयन का नाम मिलता है, इस वंश का आदि पुरुष, है ना, डायरेक्टली पूछा जाता है। जबकि इसके फाउंडर, ठीक है, आपके इंद्रबल, रियल फाउंडर बोले तो इंद्रबल ये माने जाते हैं, ये उदयन के पुत्र थे, ठीक है, याद रखिएगा, कौन, इंद्रबल। सर्वपुरि वंश के शासक सुदेवराज का सामंत था, इसने सर्वपुरियों को पदच्युत करके पांडु वंश की नींव डाली, याद रखिएगा, जो आपके प्रवरराज सेकंड है उसको मार करके डालते हैं। लेकिन उससे पहले जो शासक मिले आपके, कौन, ये सुदेवराज, इसके सामंत थे, ठीक है। तो बाद में उसका जो उत्तराधिकार हुए वो कुछ खास नहीं थे, इसलिए उसको हटा करके अपनी गद्दी, एक राजगद्दी स्थापित किया और नया वंश की नींव डाली और उस वंश से ये शासन करने लगे। फिर आपको मिलेगा नन्नराज, ठीक है, नन्नराज जो है वो इंद्रबल के चार पुत्रों में से एक थे, ठीक है, नन्नराज, सुदेवराज, ये इस टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक है, सुरबल और आपका भवदेव, तो ये चार आपके जो बेटे हैं उनमें से नन्नराज सबसे बड़े बेटे हैं और यही बाद में रूलर बनते हैं इंद्रबल के चार पुत्रों में से। और इंद्रबल के उत्तराधिकारी हुए कौन, नन्नराज, और बाकी जो तीन भाई थे इसको मंडलाधिपति के रूप में या मंडलेश्वर के रूप में स्थापित किया गया अलग अलग जगहों पर, क्योंकि इस समय इनका जो विस्तार था, राज विस्तार काफी हुआ करता था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एज इट इज इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। यहां पर फिर देखते हैं महाशिव तीवर देव, ये काफी प्रतापी शासक हुए ये भी, ठीक है, आपके पांडु डायनेस्टी के। महाशिव तीवर देव बार बार पूछा जाता है, इनके नाम पर एक तीवर देव विहार भी है आपके सिरपुर में, याद रखिएगा, तीवर देव विहार, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था इन्हीं के गेट में, ठीक है, आपका जो पंचतंत्र की कहानी है, मगर पर वो बंदर बैठा हुआ है, तो प्रवेश द्वार में यही चित्रांकित है, ठीक है, विष्णु शर्मा बहुत बात के हैं, और ये इतना प्राचीन होने के बाद भी, ठीक है, उस द्वार में आपका वो पंचतंत्र की कहानियों वाला सचित्र एक पूरा का पूरा गेट है, भव्य गेट, उस पर ये चित्र दिए गए थे, जिसको एग्जाम जो है वो पीएससी जो है वो लास्ट एग्जाम में पूछा था। इनकी अगर उपाधि की बात करें तो सकल कोसलाधिपति, ठीक है, पृथ्वीदेव फर्स्ट ने भी ये आपका टाइटल लिया था, आप कल्चुरी में पढ़ोगे, ठीक है, तो सकल कोसलाधिपति इनका टाइटल है, ये बार बार पूछता है, ठीक है, किनका, महाशिव तीवर देव का, नन्नराज का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी हुआ महाशिव तीवर देव। इनके काल को पांडु वंश का उत्कर्ष काल माना जाता है, याद रखिएगा, उत्कर्ष काल, किनके काल को माना जा रहा है, आपका तीवर देव, महाशिव तीवर देव। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पूरे के पूरे पांडु डायनेस्टी, याद रखिएगा, ये वैष्णव थे, भगवान विष्णु को मानने वाले, लेकिन दो ऐसे लोग हैं जो शिव को मानते थे, इसमें से तीवर देव, इनके नाम में ही महाशिव लगा हुआ है, टाइटल ही ले लिए हैं, ठीक है, महाशिव तीवर देव और महाशिव गुप्त बालार्जुन। महाशिव गुप्त बालार्जुन जो हुए, उनके शासन काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि इनके शासन काल को उत्कर्ष काल माना जाता है, ठीक है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भाई।
नन्न देव, इसके बाद आएंगे आपके नन्न देव। नन्न देव एक्चुअली में ये कोसल मंडलाधिपति, ये इन्होंने टाइटल लिया था, ठीक है, कोसल मंडलाधिपति महाशिव तीवर देव के बाद नन्न देव या नन्न राज ये भी मिल जाता है। तो नन्न राज या नन्न देव ने क्या बना, शासक बना, इन्होंने टाइटल लिया। टाइटल से बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, ये हम मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इनका टाइटल नन्न देव का क्या, कोसल मंडलाधिपति, याद रखिएगा। इनका ताम्र पत्र जो है अड़भार, अड़भार कहां पड़ता है आपका, जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है, यहां से प्राप्त हुआ। और ये निसंतान था, इसीलिए इसके बाद तीवर देव का जो भाई है, ठीक है, तीवर देव का भाई चंद्रगुप्त ये शासक बना, चंद्रगुप्त याद रखिएगा, है ना। हम लोग ट्री जो है वो देखे थे प्रीलिम्स एग्जाम में, आप देखे होंगे, तो वहां पर चंद्रगुप्त के बाद फिर आपका हर्षगुप्त आएगा, फिर बालार्जुन आता है, तो यहां से थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि निसंतान था, तो उसका भाई जो रहता है उसका, ठीक है, तीवर देव का वो चंद्रगुप्त वो राजा बनता है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त, ठीक है। इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, ये नन्न देव का चाचा था और सिरपुर अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, चंद्रगुप्त के बाद जो आपके राजा हुए वो है आपके हर्षगुप्त, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में काफी जानकारी जो है वो मिलती है क्योंकि शिलालेख में इनके बारे में काफी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, और यही इनके बेटे हुए आपके महाशिवगुप्त, बालार्जुन, रानी वाष्टा से इनका विवाह हुआ था, ये सब आप लोग कहानी जानते हैं। चंद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी हुआ कौन, हर्षगुप्त, ठीक है। ये नन्न देव का चाचा था वो याद रखना, कौन आपका जो पहले पढ़े हम लोग चंद्रगुप्त, उनके बेटे हुए हर्षगुप्त, याद रखिएगा। इनकी उपाधि प्राक परमेश्वर ये मिलता है, त्रिकलिंगाधिपति में मिलता है हर्षगुप्त का, ठीक है। इनका विवाह मगध के मौखरी राजा, याद रखिए मगध से इनका रिलेशन है, इसीलिए कालिंजर अभिलेख में आपका मिलता है, ठीक है। मगध के मौखरी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वाष्टा, ठीक है, रानी वाष्टा देवी के साथ हुआ था, यही वो वाष्टा देवी है जो उन्होंने इनके स्मृति में आपका लक्ष्मण टेम्पल जो है वो बनवाया है। हर्षगुप्त की स्मृति में ही रानी वाष्टा देवी ने सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तरगुप्त वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण इसको माना जाता है, इस टेंपल को, ठीक है, उस समय में उत्तरगुप्त मीन्स लेटर गुप्त, गुप्त काल से ही मंदिर का प्रारंभ चालू हुआ, मंदिर निर्माण पूरे भारत में गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ, इससे पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे, याद रखिएगा, वो सब बस आपके एक कुछ घर जैसा बना दिए या कुछ अलग था, मंदिर का जो निर्माण ही माना जाता है वो गुप्त काल से माना जाता है, याद रखिएगा, उसमें से लेटर गुप्त में, ठीक है, यहां से एक उत्कृष्ट उदाहरण जो देखने को मिलता है आपका लक्ष्मण टेम्पल जो आज भी मौजूद है आपके सिरपुर में। नेपाल नरेश के, ठीक है, नेपाल नरेश मीन्स आपके जयदेव के शिलालेख में इनके नाम का वर्णन है हर्षगुप्त का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहां कहां तक इनकी ख्याति थी आप देख सकते हो। चलिए ये है आपका लक्ष्मण का मंदिर, कौन सा, लक्ष्मण टेंपल आपका सिरपुर, ठीक है, इसका नाम है लक्ष्मण मंदिर, लेकिन यह है भगवान विष्णु का मंदिर है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है ये, ठीक है, आपको मेंस के लिए याद रखना है, भगवान विष्णु का मंदिर है ये आपका, कहलाता है लक्ष्मण मंदिर। इसमें आज भी ये कहीं ना कहीं ये भी अधूरा है, आज भी इस पे, ठीक है, आप देखोगे तो शीर्ष में हम कलश की स्थापना करते हैं हिंदू टेंपल्स में, इसी वजह से विधि विधान पूर्वक आज भी इसमें पूजा नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है, ये भगवान विष्णु का टेंपल है। सेम ऐसा ही एक जांजगीर चांपा में देखोगे नकटा मंदिर, नकटा मंदिर भी भगवान विष्णु का टेंपल है, बाद में हम देखेंगे ये जलदेव जो है कल्चरल रूलर वो बनवाए रहते हैं, वो भी अधूरा रहा, इसमें भी विधि विधान पूर्वक पूजा नहीं होती क्योंकि ये अधूरे थे, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये है आपका लक्ष्मण मंदिर, ईंटों से निर्मित, पक्की ईंटों से निर्मित ये आपका मंदिर है, जो कि अपने भव्य नक्काशी के लिए, नक्काशी जो इनके जो आपके डिजाइन हैं, ठीक है, स्टाइल्स हैं, ये सारे फेमस हैं, क्योंकि ईंटों पर कलाकारी करना इतनी आसान नहीं है, ठीक है, इसी वजह से ये काफी आपके भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में से एक हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चंस जो हैं यहां से बनते हैं। हर्षगुप्त के बारे में मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, रानी वाष्टा वाली कहानी आपको महाशिवगुप्त बालार्जुन वाले में मिलेगी। देखिए अब क्या हुआ, महाशिवगुप्त बालार्जुन ये पुत्र हैं किनके, हर्षगुप्त के, ठीक है, कई बार मिलता है कि भाई महारानी वाष्टा देवी ने हर्षगुप्त के काल में मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। पहले चीज मैं आपको बार बार क्लियर कर देता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, उनके मृत्यु के पश्चात सीधा सीधा अब राजा कौन बन गए, महाशिवगुप्त बालार्जुन। जब आप ये जानते हैं कि ये मंदिर का निर्माण हर्षगुप्त की स्मृति में हुआ, तो याद कब करेंगे, उनके मरने के बाद ही याद किया जाएगा, ठीक है, तो भाई जब उनके मरने के बाद या फिर उनकी मृत्यु पश्चात जब ये मंदिर बन रहा है, तो शासनकाल किसका आ गया है, हर्षगुप्त का रहेगा क्या, ये आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन का है,
कई किताबों में दिया रहता है, मैं नाम नहीं लूंगा, बार बार बोल रहा हूं, वो डेटा उतने सही नहीं है, आप खुद एक बार सोचिए, ठीक है। क्योंकि जब ये निर्माण प्रारंभ किया गया वाष्णो देवी के द्वारा और खत्म किया गया या पूर्ण किया गया आपका महासुगुप्त बालार्जुन के द्वारा, ये दिया रहता है पूरा का पूरा शासन काल में अगर हम बात करें, स्टार्ट भी इन्हीं के काल में हुआ और खत्म भी इन्हीं के काल में हुआ। इनकी माता, ठीक है, इनकी माता आपका वाष्णो देवी, क्योंकि उनके पति के स्मृति में ही बनवा रही है, तो इनका शासन काल चालू हो गया है। तो आप याद रखिए, इन्हीं के काल में ही बना है ये मंदिर, रानी वाष्णो देवी ने बनवाया, ठीक है, वो बात अलग है क्योंकि उनकी माता जी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर हम बात करें महासुगुप्त बालार्जुन की, तो इनकी राजधानी भी सिरपुर थी, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें समकालीन शासक की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका जो युग है, इनका काल है, इनका जो रेन है, दैट मीन्स शासन काल, ये छत्तीसगढ़ के स्वर्ण युग कहलाता है। दैट मीन्स ये अपने आर्किटेक्चर और इन सब मामले में, धन धान्य के मामले में चरमोत्कर्ष पर था, एक हाइक पर, एक पिक पर, ठीक है। इसी वजह से स्वर्ण नगरी का टाइटल दिया जाता था आपका सिरपुर को, याद रखिएगा, ठीक है। इनके जो समकालीन शासक कंटेम्प्रेरी रूलर की बात करें तो हर्षवर्धन, पुलकेशियन सेकेंड और नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये सब इनके कंटेम्प्रेरी रूलर रहे हैं, ठीक है। इनके शासनकाल को दक्षिण कोसल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखना है, ठीक है। सिरपुर की अगर हम बात करें तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ, भले ही इनकी माता रानी वाष्णो देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया हो अपने पति हर्ष ग्रुप के लिए, ठीक है, लेकिन भाई इन्हीं के पिताजी हैं, इन्हीं की माता निर्माण करवा रही है। किन के शासनकाल में? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में, याद रखिएगा, ठीक है। 639 एडी की अगर हम बात करें, ईस्वी की बात करें, इस समय प्रसिद्ध आपके, ठीक है, प्रिंस ऑफ द ट्रेवलर बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की। उस समय छत्तीसगढ़ हम भले आज बोल रहे हैं, उस समय दक्षिण कोसल की यात्रा बोली जाती है। उन्होंने अपनी किताब में सीयूकी में इस चीज का जिक्र किया है, क्योंकि सीयूकी में वेनसांग ने अपनी रचना सीयूकी में छत्तीसगढ़ को, अब छत्तीसगढ़ को क्या, छत्तीसगढ़ तो बहुत बाद में आया, इस समय छत्तीसगढ़ नाम नहीं हुआ करता था, ये दक्षिण कोसल कहलाता था, इसीलिए कोसल को उसने लिखा किया सलो। ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ को वेनसांग ने क्या लिखा है, तो एक्चुअली में वो छत्तीसगढ़ नहीं था, वो कोसल कहलाता था, इसी वजह से इसको किया सलो लिखा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नाम से उल्लेखित किया गया। बालार्जुन की अगर हम बात करें तो ये सहधर्मावलंबी का था, मैंने बताया ही है कि, ठीक है, महाशिव तीवर देव को और महाशिवगुप्त बालार्जुन नाम में रखा हुआ है, कभी कभी इसको नहीं दिया, बालार्जुन दे दिया, तो आपको याद रखना है कि ये लोग सैव धर्म को मानते थे, भगवान शिव को मानते थे, उनके टाइटल में ही आपको मिल जाएगा। सिरपुर इस समय बौद्ध धर्म का केंद्र था और वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी माने जाते हैं आपके, कौन, ठीक है, वेनसांग, इसीलिए वो सिरपुर की यात्रा किए। और अगर मैं बता दूं आपके दलाई लामा जो विश्व के धर्मगुरु कहलाते हैं आपके बुद्धिस्ट के, ठीक है, वो भी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो सिरपुर ही गए थे, याद रखिएगा, क्योंकि सिरपुर ही छत्तीसगढ़ का प्रमुख इंपॉर्टेंट आपका बुद्ध के नगरी है, ठीक है। इसके बाद आपका मल्हार भी है, क्योंकि वेनसांग ने मल्हार भी गया, ठीक है, यहां पे आप जैसे ही इन्होंने विजिट किया उसके बाद वो मल्हार भी गए थे, इसलिए वो मल्हार भी जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मल्हार का भी जिक्र उनके बुक में मिलता है। यहां पर सिरपुर जो है क्या है, बौद्ध धर्म का केंद्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतने सारे बुद्ध विहार जो है वो देखने को मिलते हैं हमारे सिरपुर में। ये सब पिक्चर्स भी हैं आपके लिए, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है, क्योंकि पुलकेशियन सेकंड का क्या है भाई, समकालीन भी है, तो इनके दामाद जो थे, इनके दामाद के साथ आपका पुलकेशियन सेकंड की लड़ाई हुई, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे बोला जाता है, ठीक है, और बाद में वो हार भी जाते हैं, तो इसीलिए पुलकेशियन द्वितीय का अधीनता स्वीकार किया, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, जिसमें, ठीक है, आपका रवि कीर्ति एहोल प्रशस्ति में इनका वर्णन है, ठीक है। आपका एहोल किनका है भाई, पुलकेशियन सेकंड का एहोल प्रशस्ति, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एहोल प्रशस्ति रविकृत, मतलब रवि कीर्ति कृत, रवि कीर्ति ने जो एहोल अभिलेख लिखा, किसके लिए लिखा था, आपका पुलकेशियन सेकंड के लिए, उसमें महाशिवगुप्त बालार्जुन का उल्लेख है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन की बात करें तो इनके 27 ताम्रपत्र कहां से मिले हैं, सिरपुर से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, जिसका सर्वप्रथम अध्ययन सबसे पहले कौन उसको पढ़ा, ठीक है, तो डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र जी, काफी इंपॉर्टेंट आपके इतिहासकार हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है, याद रखना है, डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है, आप तो रिटायर्ड हो चुके हैं, काफी सीनियर प्रोफेसर थे आपके रविंद्रनाथ मिश्र जी, आप लोग जानते ही हैं,
इस काल की अद्भुत धातु की प्रतिमा जो कि कांसे से बनी हुई है, किनकी? भाई तारा देवी की। ये पूछा जाता है तारा देवी की धातु प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है, तो ये सिरपुर से प्राप्त हुई है। चलो आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ये धातु की प्रतिमा पिक्चर्स में, ठीक है। ये है आपका तारा देवी का कांस से निर्मित, ठीक है, कांसे से बना हुआ आपका क्या है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज से बना हुआ ये तारा देवी का स्टैच्यू है, मूर्ति है जो मिला है, काफी इंपॉर्टेंट है, एएसआई प्रिजर्व करती है ये। सिरपुर से प्राप्त तारा की कांस्य प्रतिमा ये एएसआई के आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो इसको प्रिजर्व करती है और ये मूर्ति वहीं से मिली है और इसको आपके म्यूजियम में रखा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार बताया कि भाई एकमात्र जगह छत्तीसगढ़ में जो एएसआई प्रिजर्व करती है और जहां पर टिकट भी लेते हैं, ठीक है। तो स्मारक सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक दर्शकों के लिए खुला रहता है, ये कोरोना काल को छोड़ के भाई इसमें सब नियम बदल गए थे, ठीक है। प्रवेश शुल्क इसमें देखिए भारतीय पर्यटकों के लिए ₹5 दिया गया है, जबकि जो विदेशी पर्यटक होंगे, जो फॉरेन आपके टूरिस्ट होंगे, इनके लिए $2 होगा, अमेरिकी डॉलर जो दिया गया है, ठीक है। 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको कोई भी टिकट जो है वो लेना नहीं पड़ता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं सब चीजों के कारण आपका सिरपुर जो नगरी है वो फेमस है, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये हमारा पांडव डायनेस्टी जो है, इनके बाद में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है, पूरा का पूरा नगरी जो है इसके बाद आकर के सिमट जाता है। फिर जो मैकल वंश आपके कहां मैकल सॉरी जो पांडव वंश जो आपको मैकल के साइड देखने को मिलता है या मैकल के सोम वंश भी जिसको हम कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी राजधानी जो थी वो अमरकंटक थी, ठीक है। इनमें दो शासक जो है ना, 2 से 3 शासक बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिसे जयबल वत्सबल, ये आपके लिए इसके नाम तो मिलते हैं, नागबल हो गया, भरत बल, जितने बल बल वाले हैं ना ये आपको मिलेंगे, ठीक है। जिसमें से आपका भरत बल ये इंपॉर्टेंट है और नाग बल ये महाराज की राजधानी ये माना जाता है, ठीक है, महाराज की ये उपाधि भी लिया रहता है, इसकी राजधानी जो है अमरकंटक रहता है। भरत बल बमनी ताम्रपत्र, ठीक है, बमनी वहां पर जगह है, उसके ताम्रपत्र के अनुसार सर्वपुरी जो शासक थे, ठीक है, नरेंद्र की बहन, सर्वपुरी शासक कौन, नरेंद्र, इनकी बहन लोक प्रकाशा के साथ इसकी विवाह जो है वो हुआ था, किसका, भरत बल का, माने लोक प्रकाशा क्या थी, इनकी पत्नी थी, ये आप लोग याद रखें, इनके बारे में ही आपको ज्यादातर जानकारी मिलती है। फिर सुरबल, तो भरत बल और सुरबल का ही नाम इंपॉर्टेंट है, मल्हार से जो ताम्रपत्र हमको मिला उसमें आपका सुरबल का नाम जो है वो मिलता है। तो दो शासक हैं आपके पांडव वंश, मैकाल के पांडव, मैकाल के सोम वंश, याद रखिएगा इनके बारे में है तो काफी, ठीक है, जयबल वत्सबल नागबल, लेकिन याद क्या रखना है, भरत बल और सुरबल को, ठीक है। भरत बल जो है इनकी जो पत्नी थी लोक प्रकाशा, ठीक है, वो कौन थे, तो सर्वपुरी शासक, आप लोग जानते हैं सर्वपुरी रूलर, ठीक है, कहीं ना कहीं इनके बाद ही आपका पांडव डायनेस्टी जो है वो क्या हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सुरबल मल्हार जो आपका जगह है जिसको प्रसन्नपुर, ठीक है, ये भी कौन थे, सर्वपुरी शासक थे, प्रसन्न मात्र उन्होंने बसाया था, तो वहां से इनकी क्या मिला है भाई, आपका ताम्रपत्र मिला है, किनके बारे में, सुरबल के बारे में, ये आपके महकाल के पांडु वंश। तो ये छोटे छोटे राजवंश हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए उड़ीसा के सोमवंश, देखिए इसके बाद ये थोड़ा सा चीज है, मैं बताऊंगा आप लोग को, ये पांडु वंश वाला खत्म नहीं हुआ है, उसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको पिक्चर्स में हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखें संस्थापक किसके, ओडिशा के जो सोमवंश है इसमें अगर हम बात करें तो संस्थापक है इसके शिवगुप्त, ठीक है, भाषा इनके संस्कृत थी, महाभवगुप्त जन्मेजय जयमऊ ये इनका नाम मिलता है, ठीक है, इन्हीं का नाम है महाभवगुप्त जन्मेजय, इसको कौशलेंद्र ये टाइटल लिए थे, कौशलेंद्र और त्रिकलिंगाधिपति, देखो ये त्रिकलिंगाधिपति ना बार बार आएगा, ठीक है, तीन जो लोगों के स्वामी ऐसा माना जाता है, ठीक है, क्या क्या, तो कलिंग, इधर है कौशल और कांतार। देखो कौशल क्षेत्र मतलब बस्तर का उत्तरी क्षेत्र, याद रखिएगा, बस्तर क्षेत्र मीन्स कांतार, और उड़ीसा वाला जो है आपका संबलपुर, ये कलिंग, तो जो तीनों पे कब्जा कर ले वह है त्रिकलिंगाधिपति, याद रखना ये बार बार टाइटल मिलता है ना, इसका मीनिंग है, ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति, दैट मींस वो ऐसे टाइटल लिए हैं, दैट मींस कलिंग कोसल और कांतार तीनों के जो स्वामी हैं वो त्रिकलिंगाधिपति टाइटल ले रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने कोसल, कलिंग और उत्कल, उत्कल वाला क्षेत्र आपका, कलिंग उत्कल वाला क्षेत्र उड़ीसा वाला ही है, तीनों जगह पर शासन किया, उसके राजा रहे। इसे अगर हम कहें तो धर्म कंदर्प और स्वभावतुंग के नाम से भी जाना जाता है, किनको, आपका जो ये महाभवगुप्त जो है जन्मेजय, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर है ये, याद रखिएगा, ये संस्थापक बस शिवगुप्त हैं, ये अलग है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं महाभव जो भवगुप्त है जन्मेजय, इनके बारे में, कौशलेंद्र, ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है नाम कौशलेंद्र और त्रिकलिंगाधिपति, साथ ही साथ धर्म कंदर्प और स्वभाव तुंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? महाभगवत जन्मेजय को। अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो उद्योग केसरी का नाम जो है वो मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके उड़ीसा वाले सोमवंश। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कभी कभी दो नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, चार नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहे। ठीक है, चलिए देखो, ये पांडुवंश या फिर आपके सोमवंश, इसके बारे में कुछ कुछ खास आपके लिए पॉइंट्स हैं जो इमेज के फॉर्मेट में है, याद हो जाएंगे। ये सारे चीजें आपको पहले ही मिल चुके हैं, जैसे कि वह पांडुवंश या छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल, माने किसको कहा जाता है, तो महाशिव गुप्त बालार्जुन के काल को कहा जाता है। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पांडुवंश, तो ये महाशिवगुप्त बालार्जुन ही है, याद रखिएगा। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री, ऐसा बार बार क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो वेनसांग, ये सब मेंस के भी फैक्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन शासक, तो पुलकेशिन सेकंड हो गया, हर्षवर्धन हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका धर्म क्या था, तो सेव, स्पेशली किसका, आपके महाशिवगुप्त बालार्जुन का, राजधानी सिरपुर, सोमवंशी शासक जिसने कलचुरियों को हराया, तो महाशिवगुप्त, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोमवंशी शासक जिसने त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण किया, महागुप्त भवगुप्त, ठीक है, ये प्रथम, ये सोमवंशी के बारे में अभी देखे थे हमने जस्ट। ठीक है, सोमवंश का अंतिम शासक इंद्ररथ, देखो ये इंद्ररथ नहीं है एक्चुअली में, ये आपका, देखो इंद्ररथ एक ऐसे प्रसिद्ध राजा हुए, इनकी लड़ाई जो है, ठीक है, अब भोज राजा परमार और इवन देन राजेंद्र प्रथम जो चोल राजा थे, इतने फेमस, उनसे भी इनकी लड़ाई हुई है, तो ये भी काफी आपके शासक थे, ये लास्ट नहीं है, ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, पांडुवंश के बारे में और भी बहुत सारे ये फैक्ट्स हैं। वह पांडुवंशी राजा जिसने सकल कोसलाधिपति की टाइटल लिया, तिवरदेव, याद रखना। वह पांडुवंशी शासक जिसने महाराष्ट्र के क्षेत्र को जीत लिया, नन्नराज, आपने देखा था ना, नन्नदेव या फिर नन्नराज। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ, तो बालार्जुन के, किसने करवाया, रानी वाष्टा देवी ने। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का पुराना नाम विष्णु मंदिर है, जो कि लाल ईंटों से बनाई गई है, हर्षगुप्त के स्मृति में इसको बनाया गया है। अशोक कालीन, ठीक है, बौद्ध स्तूप का निर्माण, ठीक है, कहां पे मिला है या करवाया गया है, ये हमको सीयूकी में वेनसांग की जानकारी से मिलती है, माने वेनसांग जब विजिट किए उनकी किताब में, तो इससे वहां हमको जानकारी जो मिलती है कि वहां पर बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण आपके मौर्य काल में किसने करवाया था, अशोक ने, कहां पर, सिरपुर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पांडुवंशी राजा की मुद्राओं में त्रिशूल चिन्ह जो है वो होते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग से फैक्ट था इसलिए मैंने ये डाल दिया। महाशिवगुप्त बालार्जुन के 27 ताम्रपत्र कहां से मिले हैं, सिरपुर से मिले हैं, और इसका अध्ययन किसने किया, तो विष्णु सिंह ठाकुर और रमेंद्रनाथ मिश्र जी ने। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यह है सुरंग टीला, कितनी बार पूछा जाता है, ठीक है, आपका सुरंग टीला कहां का, सिरपुर का। ठीक है, तो सुरंग टीला का ये आपका पिक्चर्स है, काफी बड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट है, खूब बड़े से इसको बार बार एग्जाम में पूछा रहता है, आप लोग देखेंगे ये सब चीजें, आपका ASI प्रिजर्व्ड है, याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो आपका इसको प्रिजर्व करके रखती है, और पूरे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो खुदाई स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो ये इसी क्षेत्र का, सिरपुर का ही लगभग हुआ था, 2006 से स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा, 2006 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो इनके सिरपुर की मेनली खुदाई का जो है वो कार्य प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे चीजें जो है वो क्या हुए, अनअर्थ, ओपन होने लग गए, ठीक है, जब ये सारी चीजें बाहर आने लगी तो बहुत सारी चीजों को हमको पता चला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, सिरपुर में नेशनल डांस और म्यूजिक फेस्टिवल्स होता है, ठीक है, 2016 में एक प्रोग्राम हुआ था, काफी भव्य था, इसका एक पिक्चर्स है। साथ ही साथ हर बुद्ध पूर्णिमा के दिन सिरपुर में विशेष मेला लगता है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध की नगरी है आपके सिरपुर, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन कहां मेला लगता है, आपका सिरपुर में। ये आपका स्वास्तिक विहार, तीवरदेव विहार, बुद्ध विहार, ये सारी चीजें आपके सिरपुर में हैं, बार बार इसको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, ये है आपका पिक्चर, देखिए कितने सारे ये सब खुदाई से निकले हैं और इसको अरेंज किया गया है। ठीक है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीवरदेव विहार के अंतर्गत, ठीक है, बौद्ध विहार में बहुत सारी जगह आ जाते हैं, उसमें भगवान बुद्ध की काफी बड़ी प्रतिमा है, इन्हीं के बाहर जो है आपका वो भव्य प्रवेश द्वार, उसी में ही वो चित्रांकन था, मगरमच्छ बंदरबाट वाली कहानी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिससे आपको देखने को मिलेगा। यह है गंधेश्वर टेम्पल, ठीक है, महादेव
का मंदिर जो कि एकदम महानदी के तट पर है। अभी भूपेश गवर्नमेंट जो है करंट के जो कांग्रेस सरकार, उन्होंने 56 करोड़ रुपए इसके लिए, ठीक है, सिरपुर के क्या बोलना चाहिए, विकास के लिए, ठीक है, वो दिया गया है। और भव्य प्रवेश द्वार वगैरह जो बनाए जाएंगे, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब 2-3 बार विजिट कर चुके हैं इसके प्लानिंग और इन सब चीजों के लिए। ये एकदम महानदी के किनारे ही है, ठीक है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, लास्ट ईयर ही पूछा था, गंधेश्वर महादेव टेम्पल कहां पर है, तो सिरपुर में आपका महासमुंद जिले में, याद रखिएगा, ये एक शिव टेम्पल है। और इसी के प्रांगण में ही, इसी के प्रांगण में काफी सारे मूर्ति है, याद रखिएगा, महिषासुर मर्दिनी का है, भगवान बुद्ध का है, एक रावण का भी मूर्ति है जिसमें ऊपर में गर्दभ मतलब समझते हो, गधा का सीन है। एक्चुअली में हम लोग बनाते हैं ना दशानन, तो 10 इधर 5 और इधर 5 चार मुंडे ऐसा बना देते हैं, ऐसा नहीं होता, इधर चार होता है, एक मेन नौवा होता है और दसवा इसका गर्दभ मुंडी होता है। आप लोग कहीं पर देखे होंगे, जब रावण भाटा मैदान वगैरह में देखे होंगे, तो ऊपर एक गधे का सिर रखा होता है जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा। तो गर्दभ का सीन या फिर उसमें जो मूर्ति है उसी में गधे का ऊपर सिर है, रावण के ऊपर जो मेन मुख्य जो उनका सिर है ना, उसके ऊपर गर्दभ मतलब गधे का सिर, ये मूर्ति कहां, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो ये कहां है, आपका सिरपुर में है, याद रखिएगा, इसी प्रांगण में है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए विहार है, जैसे आनंद प्रभु कुटी विहार, ठीक है, सारे के सारे ये सब खुदाई से निकले हैं, ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। ये बौद्ध विहार का आपका चित्र है, बौद्ध विहार में ही तीवरदेव विहार और भी अलग 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 विहार है, ठीक है। चलिए, तो ये हुए सुरपुर की कहानी है, आपको समझ में आ गया होगा, पांडुवंश सोमवंश। एक और आपके छोटे से डायनेस्टी हुए, दो छोटे छोटे डायनेस्टी है जिसके बारे में हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हम स्थानीय राजवंश को ही पढ़ रहे हैं। देखिए सिरपुर से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको 175 शब्द में भी लिखने के लिए बोला जाए तो भी वो कम है। माने एकमात्र जो आपका जगह है जिस पर डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है, इतने सारे विहार्स मिलते हैं, बौद्ध धर्म का केंद्र था, अच्छे अच्छे राजा हुए, तो ये सब सिरपुर से पांडु वंश के जो शासक हैं उन्होंने रूल किया, तो उनके बारे में काफ़ी कुछ आपको जानकारी जो है वो देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, ठीक है। इवन देन ये पूछा भी गया है कि एक जो सिरपुर का लक्ष्मण टेम्पल, उसी के बारे में पूछा गया है, ठीक है, उनमें कैसे हम डिसाइड करते हैं कि भाई वो भगवान विष्णु का जो है वो मूर्ति है, तो वो शेषनाग की संज्ञा पर बैठे रहते हैं ना, उसी से वो होता है, याद रखिएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्हीं के उसमें पूरा लेख है, विष्णु भक्त थे और उसमें कवि ईशान देव ने उनकी प्रशस्ति गाथा भी लिखी हुई है, ठीक है। सिरपुर के जो लक्ष्मण टेम्पल है उसका जो द्वार है वो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जानने लायक हैं, काफ़ी रिसर्च हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर देन इनफ है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पर्वत द्वारक वंश ये भी मिलते हैं आपके छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में, स्पेशली आप गरियाबंद वाला जो क्षेत्र बोलोगे, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा पर्वत द्वारक वंश। तो इसमें कुछ खास जानकारी नहीं है, दो राजा के नाम जो है वो मिलते हैं, ठीक है, दो राजा के नाम मिलते हैं, कौन कौन से, तो राजा सोमन्नराज और राजा तुष्टिकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोमन्नराज और तुष्टिकर। तो इन्हीं में आप देखिएगा कौस्तु भेखरी देवी, ठीक है, कौस्तु भेखरी देवी के स्वास्थ्य हेतु देवभोग, उस समय देवभोग बोला जाता था, बाद में देवभोग हो गया, का दान दे दिया था, ठीक है, आपके राजा तुष्टिकर ने, कौस्तु भेखरी देवी इनकी माता का नाम है ये, ठीक है। और बाद में ये एक्चुअली में आप पता चला कि भाई ये एक देवी के उपासक थे और उस देवी को बोला जाता है स्तंभेश्वरी देवी। यह वंश रायपुर के दक्षिण भाग और उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र के आसपास शासन करते थे। तुष्टिकर के 13 सिंघा ताम्रपत्र, एक्चुअली में ये ताम्रपत्र से ही इनकी जानकारी मिलती है तुष्टिकर के बारे में, और सोमन्नराज जो उसके पहले राजा हुआ करते थे, दोनों के बारे में। तो तार भ्रमक दान देने का उल्लेख है, दैट मीन्स ये जो दान कर रहे हैं ना, इन सब चीजों का उल्लेखन जो है वो करवाए थे, इसीलिए हमको पता चलता है। ये मूलतः कालाहांडी क्षेत्र के परथला से थे और ये स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे, याद रखिएगा, स्तंभेश्वरी देवी, स्तंभ से बना, ठीक है, भेश्वरी देवी, आप लोग याद रखें, इनके उपासक थे, मींस डिवोटी थे, डिवोटी ऑफ स्तंभेश्वरी देवी, कौन, आपके पर्वत द्वारक डायनेस्टी, जो स्पेशली गरियाबंद कालाहांडी आपका क्षेत्र जो है वहां पर देखने को मिलता है, उनके ताम्रपत्र या कॉपर इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में जानकारी जो है हमको मिलती है, ठीक है। एक है मेघ वंश, देखो
आपका मेघ वंश, सैल वंश, इन्होंने शासन किया छत्तीसगढ़ में, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। सैल वंश भी यहां पर शासन किए हैं, कहीं ना कहीं कुछ कुछ ताम्रपत्र में मिल जाता है कि भाई इसके पहले ये शासन किए, वो शासन किए, बस ऐसे ही। तो मेघ वंश एक डायनेस्टी है, इन्होंने भी छत्तीसगढ़ में शासन किया, याद रखिएगा। तो सातवाहन के पश्चात, ठीक है, जो आपका मेन बिलासपुर वाला ही रीजन है, मल्हार वाला क्षेत्र, ठीक है, यहां पर कोसल में मेघ नामक वंश का राज्य था, ऐसा हमको जानकारी मिलती है। तो इसलिए एग्जाम में पूछा भी जा चुका है प्रीलिम्स में कि कौन कौन से शासक जो हैं वंश के, इन्होंने शासन किया, तो मेघ वंश भी हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किए। पुराणों के विवरण से ज्ञात होता है कि गुप्तों के उदय के पूर्व कोसल में मेघ वंश का शासन या फिर राज्य था, याद रखें। संभवतः इस वंश ने द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक राज्य किया, दैट मीन्स ये सेकेंड सेंचुरी की बात हो रही है, बहुत पहले की, ठीक है, गुप्तों से भी पहले की। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखें, सेकेंड आपका जो सेंचुरी है द्वितीय शताब्दी, वहां तक आपका शासन किया है मेघ वंश, मेघ डायनेस्टी। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आज बहुत सारी चीजें हम लोगों ने किया, ठीक है, लेकिन जो आपके साथ एक बार में बहुत सारे आपके जो लोकल डायनेस्टी जिसके फाउंडर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसको एक जगह पर मैंने लेकर के कोशिश किया है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में भी, और आपको मेंस एग्जाम देने के लिए भी ये सारे डेटा याद होने चाहिए, तभी तो उसके फाउंडर और इन सब के बारे में आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे राजर्षि तुल्य कुल डायनेस्टी, तो इसके फाउंडर को माना जाता है सूरा, ठीक है, इसी वजह से इसको सूरा राजवंश भी कहा जाता है। फिर आएगा आपका नलवंश, इसमें नलवंश के जो आपके संस्थापक है वो है वराहराज, याद रखिएगा। सर्वपुरी डायनेस्टी, इसके सर्वपुरी डायनेस्टी के जो संस्थापक है, जो आपके फाउंडर हैं, वो कौन है, आपके सर्वराज, याद रखिएगा। पांडु डायनेस्टी का उदयन को माना जाता है, साथ ही साथ इंद्रबल को, याद रखिएगा, ठीक है। सोमवंश में अगर हम सोमवंश की बात करें, सीधा सीधा दक्षिण कोसल के सोमवंश, तो यहां पर सिंहराज जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फणी नाग वंश अहिराज, फनी नाग डायनेस्टी के फाउंडर या संस्थापक कौन है, अहिराज। साथ ही साथ छिंदक नागवंश की अगर हम बात करें तो नृपति भूषण, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कलचुरी की बात करें तो कलिंगराज ही आपके छत्तीसगढ़ में संस्थापक माने जाते हैं। इसके पहले जो मुग्धतुंग है शंकरगढ़ द्वितीय, वो आए जीत करके चले गए, उन्होंने कभी यहां पर स्थापना किया ही नहीं, वो तो चले गए थे, बस जीते थे, याद रखिए। लेकिन कलचुरियों के एक्चुअल में संस्थापक कौन है, आपके कलिंगराज, याद रखिएगा। और कलचुरी वंश अगर हम बात करें, इसकी एक शाखा थी, लहुरी शाखा बोलते हैं, रायपुर शाखा, ठीक है, इसके कौन थे, तो केशव देव इसके कौन थे भाई, आपके संस्थापक थे, आपका फाउंडर था, याद रखिएगा। काकती डायनेस्टी की बात करें तो अन्नम देव जो हैं इसके संस्थापक थे। और मराठा शासन की बात करें तो रघुजी भोसले के नेतृत्व में, सॉरी रघुजी भोसले जो हैं इसके फाउंडर थे, लेकिन किसके नेतृत्व में, अपने सेनापति को भेजा था, भास्कर पंत, याद रखें, ठीक है। ये भास्कर पंत, इन्होंने ही जो अंतिम कलचुरी राजा थे, ठीक है, कौन, तो रघुराज सिंह, अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसको हराया था। आप इतना जान लीजिए मराठा शासक के कौन है आपके फाउंडर, तो रघुजी फर्स्ट। फिर पाली का जो बाण वंश मिलता है, इसके फाउंडर जो मिलेंगे महामंडलेश्वर आपके मल्लदेव, क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन में दिया गया है कि जो महामंडलेश्वर है मल्लदेव, इनके ही पुत्र हुए कौन, विक्रमादित्य, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में पाली के शिव जी का जो टेंपल है उसका निर्माण करवाया, और उसी में जो शिलालेख है आपके, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, उसमें ये सब जानकारी आपको मिलती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट्स हैं, जो कि आपके प्री एज वेल एज मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर सिद्ध होंगे, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो गए होंगे। अब छत्तीसगढ़ के अगर सोमवंश को हम डिटेल में जो है अगली क्लास में जो है पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डिटेल्स में है, ठीक है, बहुत सारी किताबों में नहीं दिया रहता है, बट ये इंपॉर्टेंट है सोमवंश। इसको हम दो तीन पार्ट में हम बांट सकते हैं, जैसे कि ओडिशा वाला हमने देखा, ठीक है, और दक्षिण कोसल का जो आपका सोमवंश है, इसके बाद आपका कांकेर के अलग सोमवंश है, ठीक है, कांकेर के, तो उड़ीसा हो गया, दक्षिण कोसल हो गया, कांकेर हो गया, और एक था आपका मैकल, ठीक है, आपका मैकल का सोमवंश। तो ये चार चार आपको सोमवंश देखने को मिलेगा। पांचवा आपका सिरपुर का सोमवंश भी कभी कभी बोल दिया जाता है, ठीक है, तो सिरपुर वाला भी है, जिसको पांडु वंश के नाम से आप लोग जानते हो। तो ये सोमवंश ने कहां कहां पर शासन किया, देख लो, तो सोमवंशियों को एक्चुअली में कौन हराए, फिर कलचुरी लोग हरा करके फिर यहां पर कलचुरी ने अपना स्थापत्य जो है वो जमाया। तो इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट था आज की क्लासेस, इससे क्वेश्चन 100% आते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, याद रखिएगा।
बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करें। बाकी कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, बिल्कुल हमको कांटेक्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो सोम वंश है उसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ जितने भी लोकल डायनेस्टी छत्तीसगढ़ के उनको फिनिश कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी डाउट्स होंगे उसके लिए आपका मोस्ट वेलकम है, आप बिल्कुल उसके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।